डेयरी पे देखो क्या पब्लिक लग रही है भाई, बोले ब्लैक में मिले तो ब्लैक में दे दो, थोड़ी सी आदत डाल ले, बोले जितना पेट्रोल जाना, काम पे जाने वाले लोग का प्रॉब्लम है। बाप रे, बहुत अंदर फंसा हुआ है भैया। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया आप लोग का स्वागत अमेरिका में नहीं हूँ मैं, हम हूँ। तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग की दुआ और आपके प्यार से, और आप भी अच्छे ही होंगे। और आज हमारे घर में आए थे हमारी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, एक आए थे गणेश नगर से और एक आए थे नासिक से, जो कि हस्बैंड वाइफ। बहुत दिनों से उन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर, बट उनका मैसेज नीचे जाने की वजह से मुझे नहीं दिख पाया। तो उनको एड्रेस फाइनली मिल गया कैसे कैसे करके, छोटू के यहाँ, और छोटू के फिर यहाँ से मेरे यहाँ। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही मोटिवेशन दिया, प्यार दिया, और थैंक यू सो मच। और एक तो आसिफा के लिए, एक गणेश नगर पे जो आए थे उन्होंने आसिफा के लिए फेवरेट लाए थे काजू कतरी। और देखो ऐसा कुछ लाओ मतलब कोई ज़रूरी नहीं, आप लोग आते हो इतना प्यार करते हो और प्यार देते हो, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, है कि नहीं आसिफा? और इतना फटाफट रट्टा मार के बोल दिया, कितना मज़ा आया ना, है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, वेलकम शफीका आसिफा के साथ में। और बहुत ही बुरी खबर है गाइस, और मुंबई के लिए, मुंबई में कुछ दिनों तक मुंबई का हाल कुछ बेहाल होने वाला है थोड़े दिन के लिए। तो जिसके पास जिसके पास अवेलेबल है वो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है बेचारा वो क्या करेंगे, नहीं बंद हो गया तो पेट्रोल पंप, तो एक्चुअली पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, यस पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, पेट्रोल नहीं मिलेगा। जहाँ अवेलेबल था वो मिल चुका है, अब नहीं है। यहाँ पे तो 4 बजे लास्ट था, ऐसे और लोगों को चलना पड़ेगा। गर्दी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, यहाँ साइड में कितनी गर्दी थी, बाप रे बाप। बाइक पे घूमने वालों को अब पैदल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा पेट्रोल है तो हम लोग पहले राउंड मार के आते हैं, क्योंकि हम लोग को कहीं जाना नहीं है और जो हमारा काम फंसा हुआ है यार नहीं हो रहा है। गाइस प्लीज, हाँ गाइस, जो मेरा काम फंसा हुआ है वो काम नहीं हुआ है यार, सुबह से मैं भटक रहा हूँ उनके लिए, पर वो नहीं हो पा रहा है। प्लीज दुआ करो कि जल्दी हो जाए, सुबह से शाम हो चुकी है, मैं ब्लॉग चालू नहीं किया क्योंकि मैं भटकते मेरी हालत ख़राब हो गई। तो और देखते हैं अभी जाके पेट्रोल पंप का क्या हाल है, मैं आप लोगों को थोड़ा अपडेट दूंगा। कितना अच्छा दिख रहा है ना, चिकना दाढ़ी वाला बना है। हाँ पकड़ो जरा एक मिनट, ऐसे तुम कर रहे, तुम नहीं मैं फोटी, मैं भी करूँगा ना, पकड़ो ना, मैं भी अपनी नज़र मैं भी उतारता हूँ ना। अल्लाह हाँ फुट गई, चलो नज़र, चलो भाई चलते हैं, देखते हैं बाहर का हाल क्या है। वो मेरे को ट्यूशन छोड़ के आ चुका हूँ ताकि हम जा सकें, क्योंकि उसका ट्यूशन छुट्टी के बहुत देर बाद। तो अब जब तक हम बाहर का थोड़ा देख के आते हैं वो माहौल लॉकडाउन जैसा। तो ये देखिए गाइस कितना गर्दी है यहाँ पे, पूरी इतनी लाइन लगी है, कम से कम 200 लोग 200-300 लोग लाइन लगा खड़े हैं, बहुत ज़्यादा हालत खराब है, सब वीडियो बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं। देखो इतनी गर्दी है रोड जगह, धीरे धीरे और गर्दी बढ़ जाएगी, आप देखते रहो। मैं जा रहा हूँ, मेरे को लेकर पैदल घर पे से, ट्यूशन से घर पे है ना उमेर, हाँ। और गाड़ी फंसी हुई है इसलिए निकल गया था ना। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई, ये लो चलो भाई पकड़ तेरा बैग। और हम लोग गए थे क्या, क्यों वापस आए बताओ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली हम लोग जहाँ जा रहे थे ना गाइस, थोड़ा आप लोग को दिखाने के लिए, जाने के लिए तो ठीक है, आने में इतनी गंदी ट्रैफिक। तो हम लोग क्या किया है, वहाँ से रुके कि हमारे एक भाई मिल गए, तो उनको बताया भाई हमारा ऐसा काम थोड़ा फंसा हुआ, मसला फंसा है, थोड़ा टेंशन मतलब मैं करवाता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन उन कर, हम लोग पहुँचे गए जगह तो नहीं थे जिनसे मिलना था, तो बोले कल फ़ोन करो, कल कराता हूँ। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी, मतलब अगर चले गए तो उसको ट्यूशन से 9 बजे लाना है, नहीं ला पाएंगे, इस वजह से मैं वापस आ गया, छोड़ दिया। वेरी गुड, मुबारक, नया बटन तोड़ दिया इसने, इसी वजह से हम लोग गए नहीं, गाइस कैंसिल हो गया, आपको दिखाना था। पर कुछ वीडियो है मेरे पास जो आप लोगों को दिखाऊंगा पेट्रोल की गर्दी का। क्या बाबे क्या दिख रहे हो, अरे कौन कौन सी पिक्चर दिख रही, क्या मतलब मेरे हमारे लिए लाया है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल चटपटा दिक्कत लल्ला, हां ज्यादा मसाला ले लेती हूं तो बेकार हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ लवली मसाला, अब इससे पहले इसने 2 मंगाई और अकेले खाली मेरे को पूछे भी नहीं। कौन कौन खाता है जनरली, इसको किसी को पसंद है जरूर बताना, ठीक है? स्पाइसी में तो ये खाया, पहले बहुत खाता था बहुत। मेरे साथ में 4 को संभाल लूंगा। सबसे पहले आया ना तो जिसमें सबसे ज्यादा जिसमें मसाला था, मैंने पहले उससे ही कब्जा मारा, देखो ए असो छुट्टी यहाँ असो, इसमें क्यों चाटे
मेरे पति हो ना वाला मेरे को नहीं तुम मेरी बीवी हो ना नहीं भाई मेरे साथ चाय करूंगा तो गाइस जिस जिसके पास घर में बाटला नहीं है वो बाटला बुक कर लो फटाफट और जिसके पास जो चीज़ नहीं है भरा लो पहले से बोल रहा हूँ भरा लो क्योंकि बहुत मुश्किल है अल्लाह करे कि जल्दी आसान हो सब चीज़ें फटाफट लेकिन जिसके पास नहीं है प्लीज भरा कर रखो ठीक है ना तुम्हें चाट लो एक काम लो खा लो 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 ले 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 दू दू तेरे दू दू ले खा 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 ले लो 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 को 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 लो खा करे ये खाएगी वो भी खाएगी कितना खाएगी हाउडी फाउडी हाउडी तुझे हावड़ा तुम्हें हावड़ी ये भी हावड़ा हावड़े की बेटा हावड़ा फावड़े की बेटा का बेटा फावड़ा मैं दांत खाली थोड़ा सा स्लिप हो चुके हैं मेरे बस थोड़ा सा स्लिप हो चुके जी कर जो भी क्यों मालूम बचपन में सीटी बजाता था ना ऐसे नहीं बजाता था तो छेड़े रहेंगे तो ऊपर के बराबर नहीं तू क्यों बात कर रहे बचपन में बराबर नहीं मारी ऊपर के आधे हिस्से में मारी ऊपर का हिस्सा अंदर चला गया नीचे का बाहर पागल है तुझे बोलती है ना मैं ये ऐसे हाउडी हाउडी नहीं भी खेल रहे खेलो खेलो अरे काम आ रहा है लो खेलो खेलो फटाफट ये इसको नहीं आता खेलने इसको खेलने नहीं आता मारती गलत मारती है उमेर दस लो मार ना दे नहीं रही डाई के देखो मारो ये मारो ये लड़की का नाम जारा है जारा लड़की पागल है तू पागल है ना पहले बोले ये भी पागल है ना फिर कौन है देखो देखो तो गाइस सुनने में बहुत चीज डेंजर आ रही है कि मार्केट में फुल रश है और टमाटर का भाव भी हमने दोपहर में टमाटर लेके आए थे 1.5 किलो में ये बोले बाद में लेना मैं बोली अब भी लूंगी मेरे को तुम बोले ना बाद में पैसा लेकर आकर के ले बोला पैसा नहीं गूगल पे है तो बोला हाँ मतलब ले लो फिर हाँ, तो हमने लिए 1.5 किलो 45 रुपीज का अब सुनने में आ रहा है 90 रुपए हो गए 1 किलो टमाटर 30 रुपए किलो ली दोपहर हाँ, मतलब और अभी बहुत महंगा हो गया चलो थोड़ा देख के आते बाहर का माहौल 30 रुपए किलो लेकर आई मैं हाँ चलो देखते हैं बाहर का माहौल क्या चल रहा है अभी यहाँ पे जरा यहाँ भाव पूछो ना जरा दोपहर में तुम लिए कितने में लिए 30 रुपए का और अभी देखो जाके कितना में रहेगा पता नहीं खालू कितने बेच रहे क्या मालूम चलो देखते हैं सोच रही हूँ मुर्गी भी ला करके अभी रात को रख दूँ हाँ यार उसको ले लो भाई बहुत गर्दी है बहुत मिल जाएगी 7 नंबर मेन मिल जाएगी सात नंबर जो मेन दुकान है मुर्गी उर्गी थोड़ी बंद होगी गाड़ी जी नहीं आएगी तो कहाँ से दे मेन तो गाड़ी के ऊपर है ट्रांसपोर्ट के ऊपर है भैया वाले तो पैदा कर चलो 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 भैया चलो देख के आते आप लोगों को थोड़ा बाहर का थोड़ा माहौल दिखा के आते हैं गाड़ी मेरे पेट्रोल अभी माशाल्लाह बहुत है 4-5 दिन चल जाए मैं तो दुआ करूंगी अल्लाह ये सब परेशानी से दूर रखे बाबा सही हो जाए कल तक का चलो जाके देख के आते हैं पब्लिक देखो भरपूर है यार वो भी रात के 10:30 बजे यहाँ पे सब लोग यहाँ तो बाप रे यहाँ तो पूरा भरपूर भरे हुए जैसे कल से मिलेगा ही नहीं क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी अल्लाह मालिक है ना लेकिन इसीलिए तो इतनी पब्लिक है पूरी मार्केट में जिनका है वो खत्म कर रहे बेचारे वो भी भाव बढ़ा दिए जानू बोल रहे मुझे तो मालूम नहीं और अंदर तो बहुत है पब्लिक हाँ जानू अंदर वाले हिस्से में चार्जिंग वाली बस चालू मिलेगी चार्जिंग है वो वसूल है अपने जैसे पेट्रोल वाले रहेंगे तो बाबा हमारे भी टेंशन हमने आज ही से चलना स्टार्ट कर दिया है आराम से दूध की डेयरी पे देखो क्या पब्लिक जमी हुई है बाप रे अल्लाह दूध भी नहीं मिलेगा तो तुम्हारी चाय कैसे बनेगी मेहमान आएंगे तो तुम क्या पिलाएंगे जान गरम पानी क्योंकि तुम्हारे को तो चाय बनाना पसंद है क्या होएगा कैसे होएगा खाना ले लो कम से कम वो बच्चा का बहुत सारी बिल्लियाँ खाती है हमारे पास है कि नहीं जानू दो ही पैकेट लिए थे तुमने तो और भी बिल्ली आती है ना इतना सारा लेके बैठेंगे कैसे चलो आ जाओ ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं बचने पे एक ऑप्शन ये भी है कि मच्छी अपन लोग ले करके उनके खा सकते हैं मच्छी की गाड़ी की क्या जरूरत है यहाँ पे तो मच्छी पकड़ के बेचते हैं नहीं बाबा यहाँ ये अपने मालोनी में मच्छी की गाड़ी की जरूरत नहीं अपने मालोनी में हाँ पेट्रोल लेना चाहिए देखते
चलो देखते हैं, अगर अभी पेट्रोल मिल गया भरा लो। सुनने में तो बहुत लोगों के लिए फन जैसी बात है, लेकिन एक दिन दो दिन ठीक है, इसके बाद में ना हर किसी की हालत खराब होती है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि इंसान के पास जितना पैसा रहेगा उतने में ही चीजें खरीदेगा, उतने में ही जिएगा, उससे ज्यादा में क्या करेगा फिर अगर कुछ ऐसा रहेगा। तो पेट्रोल पंप पे लाइटें बंद हो गई, लाइटें पूरा ब्लॉक कर दिए, पूरा ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए। अब भी दे रहेगा क्या मालूम, मुझे को ना बैठ गए। अरे बोलना भाई क्या हो रहा है, चला लो भाई, बचा हुआ पेट्रोल है बचा लो, चला लो बचा लो। गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, पब्लिक बहुत सारी है, गारंटी है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं अंदर कुछ भी। तो क्या करें, थोड़ा बहुत देते पर नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। गाड़ी खरीदोगे, चार्जिंग बाइक खरीदना पड़ेगा, उसके भाव बढ़ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ मिल जाएगी, 25-30 हज़ार में मिल जाएगी। और वहाँ पे सब मनाने में लगे हुए, भाई बोले ब्लैक में मिले तो ब्लैक में दे दो, थोड़े में दे दो, ज्यादा में दे दो। तुम अपना पेट्रोल जो बचा हुआ है वो मत गवाओ, जो है उसको चलाओ। पक्का बेचारे भाई बोले, भाई बोले ये वीडियो डालेंगे ना, हाँ भाई कल डालेंगे, पक्का डालेंगे, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए क्या हाल हो रहा है कि नहीं जानू। तो चलो निकल पड़े अभी फिलहाल के लिए हम लोग, पब्लिक का हाल देखते, क्योंकि यहाँ सब जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन नो चांस है, नो चांस, क्या करेंगे, बाइक लगा के खड़े बेचारे। जगह बंद हो गया अभी तो, जाते वक्त देखे तो अब पेट्रोल वेट्रोल कहीं नहीं मिलेगा। हाँ वो बेचारे भाई बोलते हैं आप पैदल घूमने की आदत डाल ले, बोले जितना पेट्रोल है अगर ढूंढने भी जाएंगे तो वही रास्ते में बंद हो जाएगी अपनी, तो वहाँ से पैदल। सही बात है, चुपचाप से जाओ, बॉटल में निकालो, क्योंकि चोरी भी हो सकती है। नहीं सही बात है, पेट्रोल चोरी भी हो सकता है। अरे हाँ क्या आइडिया दिया यार तुमने, पहला अपना निकाल के रखना भाई, अपना तुम्हारा तो पावर रहता है, बहुत टेंशन वाला है तुम्हारा। थोड़ा पाइप ले, पाइप रहेगा, पाइप है नहीं क्या मालूम, बड़ा मोटा पानी भरने वाला पाइप है, पतला पाइप ले लेता हूं तुझे, ले लो ले लो, जो लेने का ले लो, लेकिन निकाल के रखो। गाड़ी के साथ नहीं आया था क्या तुम्हारे को पाइप वाइप? अरे बाप रे, अरे अभी पाइप लेने के लिए ताकि पेट्रोल निकाल सके खुद का, ले रहे, बोले आई वाला पाइप। चलो अरे खींच लिए, बदन में हवा निकल जाएगी। चलो अभी ये अपन निकाल लेंगे, जो बचा कुछ पेट्रोल है अपना। पेट्रोल की खुशबू आ रही तुम्हारे को? पेट्रोल की खुशबू आ रही है, ऐसे तो नहीं खड़क गए तो दो मिनट में अपने आप पेट्रोल गायब हो जाए बिना किसी के निकाले। पेट्रोल को भी तो टेंशन है, पेट्रोल बंद कर रहे हैं, इसका मतलब जानू जो वो बन रही है ब्रिज अपनी, ये काय की क्या बोलते हैं मेट्रो, तो मतलब मेट्रो का काम भी बंद हो जाएगा। मेट्रो का काम क्योंकि सबसे पहला बंद होगा, क्योंकि उसी के सामान तो रात को ट्रांसपोर्ट से ज्यादा आते हैं, मशीन हो गई, ये हो गई, वो हो गए, बड़े बड़े ब्लॉक्स हो गए, क्या क्या हो गया। नहीं तुम्हारे को दिखा के बोल रही हूँ, तुम प्यारे लग रहे हो ना इसीलिए। मैच खेलने जाओगे सुबह? जाओ लेकिन पैदल जाना, समझे, गाड़ी लेके नहीं जाना, पेट्रोल बचाना है अभी। क्या हो रहा है? अच्छा संदल है, ओहो ओहो संदल है भाई, तो उसमें पानी बहुत सारा है, पहले पानी खाली करना पड़ेगा, टिशू लाना चाहिए ना, पगले घर पे करके लाना चाहिए, कागज में डाल के खींचने का, लकड़ी में डाल के। चलो घर पे, चलो चलो घर, चलो चुराना ले, कोई टेंशन नहीं, नहीं कोई नहीं चुराएगा, चलो अभी अपन ही चुराएंगे, पाइप लेके आ गया ली। तो मम्मी पापा कर रहे हैं बोतल साफ, है बोतल साफ कर रहे हैं, पानी सोख रहे हैं, उसका पानी सोख रहे हैं अंदर, चला रहे हो। चलो चलो बेटा, तुम जो स्कूल पढ़ते ना सभी को स्कूल में कदम भी नहीं, वहां पे झाड़ू मारते थे मुझे मालूम है, मैंने देखा है बहुत बार, तभी बोलूं तुम्हारी शक्ल की मुझे जानी पहचानी लगती है। वाओ मोए मोए कर दी तूने, मोए 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 मोए, पापा गरम कर क्या कर कर, मोए मोए पापा गरम, तो उल्टा हो गया घूम के, मोए मोए तुम्हारी मजे बना लिए हम लोग ने। हाँ देखो हो गया, हो गया, तभी तो देखे मैंने ना बराबर सच बोला तुम्हारे बारे में, रखो दर। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत टेंशन वाली बात है। क्यों? क्योंकि कैसा है ना, देखो काम पे जाने वाले का, काम पे जाने वाले लोग का प्रॉब्लम है, नॉर्मल जॉब वाले लोग ठीक है, लेकिन जो मेन डॉक्टर्स है जो जाते हैं क्लिनिक में,
हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं, एम्बुलेंस हो गई, ये सब चीजें हो गई, इन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है। अगर पेट्रोल वगैरह ऐसा बंद हो जाएगा तो लोगों की इमरजेंसी में ये सब चीजें कैसे हम मतलब अवेलेबल कर पाएंगे, कैसे क्या होएगा। तो ये तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ये सब चीज देखना होगा कि देश में फैसिलिटी अब क्या करे, कैसे करे, सब अभी एडजस्ट करना होगा। मुझको ना दो मिनट के लिए ना लॉकडाउन का टाइमिंग अभी याद आ गया, फीलिंग मुझे वैसी चाह रही है जैसा कर रहे, पूरी वही फीलिंग आ रही है। नहीं मिला तो ये चीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये है तो बहुत टेंशन वाली बात है यार। घर पड़ी थी तो जाने दो सब, लेकिन घर वाली है पहले इसमें तो डाल के देखो, इतने में तो निकल ही जाएगा। तो ये कहाँ की फिर, ये सब घर वाली है, बाहर थी तो ड्रम पे बॉटल उठा के तैयार है गए बाटलियों के साथ। चलो ये समझदार आदमी है, कोलम खाली चालू हो गई उनकी और लालिम का ध्यान रख लिए। लाली तू भी बोल, मेरे को वीडियो में मत लो, मेरे को शर्म आ रही है जान। अरे माँ क्या हुआ, नहीं जा रही चाबी, नहीं जा रही वैसा बोले, मैं डर गई, मैं बोली लगता पेट्रोल पहले ही गायब हो गया क्या। नहीं गायब की बात नहीं है, जरा देखो है कि तुम्हारा फोन गायब, गाड़ी की हालत देखो क्या हुई है हमारी, ऐसे वो नहीं होने वजह से ये कांड हो रहा है। इसमें ज्यादा खर्चा आ गया ना, लेकिन बना लो यार इसको थोड़ा थोड़ा करके वापस से बना लो, बढ़िया बढ़िया ले लो, वहाँ जाओ क्या, हाँ जाओ ना बैठ के सुकून से करो ना, उखड़ू बैठ के, नहीं उखड़ू नहीं, नीचे रहना पी, पी मत लेना, नहीं आया यार फिर खींचना पड़ेगा, छी 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 सी, पेट्रोल पी रहे हो तुम मेरे प्यार में, मुंह मत लेना ना, थूक देना, नहीं आया भाई, बंदा लगता है बाहर गया नहीं, अरे अंदर ही तो है, अरे लाए तो यहीं पे चाहिए, तो वही तो तुम बोल रहा, तुम खींच के इतना ही ले रहे हो, अभी तो गया अंदर, अब गया अंदर, खींचो अब डाला मैंने, ले आ रहे देखो अंदर ही छे पाइप, पूरा अंदर डाली हूं, पूरा अंदर है, तुमको खींचना नहीं आ रहा, खींच रहे मुंह से, खींच रहे कहां से खींच रहे, तुमको और लेना चाहिए था, मैं खींचूं क्या, खींच रहे हो, नहीं आ रहा पूरा खाली आ रहा मुंह में, खींच रहा हूं तो, हां आया आया, एक कौवा प्यासा, पानी नहीं मिला, पेट्रोल पीने लगा, तो मानते तुम कौवे हो, नहीं आ रहा खाली आ रहा, क्यों ऐसा खाली आ रहा है, देखो तो अंदर तो बराबर, अब कहाँ डालूं बताओ, थोड़ा निकालो बेटा, इतना अंदर डाल दी फिर भी, क्या कर रहे हो तुम, फाड़म फूड़ी, ये देखो ना क्या हालत हुई है, फाड़म फूड़ी कर रहे हो, देख रही कहाँ उंगली कर रहे, हाँ थोड़ा और आ गया, बाप रे बहुत अंदर फंसा हुआ है भैया, यही पाइप है, अरे रे रे, अरे वाह रे वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह, अरे वाह, तुम्हारे को पाइप की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, हाँ तुम तो बड़े कांडी हो, मान लिया तुमको मैंने, मान लिया हमने, दिमाग भी है तुमको, स्लो आ रहा है, स्लो आ रहा है, जैसा भी आ रहा है लेकिन आ रहा है, भर जान लो देख के जैसा भरता है, ठीक है, पेट्रोल तो बहुत उड़ गया है, सब गाड़ी उड़ गई, ज्यादा उंगली कर दी ऐसा लग रहा है, हाँ अब आया ना पास, देखे पास है, अभी तो उल्टा फास्ट हो गया, इतना स्लो आ रहा था तभी, अरे क्या बात कर रहे हो, कब ऐसे लग रहा जानो, फास्ट हो गया ऑन हो गया, क्या बोले, हाँ थोड़ा मस्त आ रहा ना, मस्त चलो निकालो वाली, पकड़ो उसको, तुम्हारे पकड़े पाइप उसमें फटाक डालो, फटाक से क्या डालो, इतने आराम से डल गया, ढक्कन वही नीचे है तुम्हारे पास, अबे तो पकड़ेंगे तो ये पकड़ो ना, उड़ जाएगा, मैंने पाया यार अभी, सफेद बोतल लाल हो गई, अब लग रहा है ना अनार का रस जो लेकर आए थे वो वाला अनार रस है, ये लीची है, मतलब भरने दो पूरा मत भरो, जल्दी है
तो सेम है ना ये। अरे बाप रे, अच्छा किसी को पता नहीं था कि हमारी ये वाली गाड़ी है ना। अरे यार चले जाने तो, कोई नहीं, देखते कितना निकलता है इसमें। हो गई ये भी, इतना तो है कम से कम। चलो देखते हैं अब ये वाली कितनी भरती, मुझे लगता है ये वाली भरेगी आधी या पाओ लास्ट। हाँ जानू, मैं बोली ना जरी भी नहीं छोड़ना, पूरी निकाल के हटाओ। खेल रही है तीन हो गई। वाह देखो इतना था गया। जान दो, चलो पक्का गया, खत्म हो गया, अब खत्म हुआ। चलो फिर भी इतना तो भर गया, उसको ना उसी में मिला दो बाकी सब में। है गाड़ी हिलाएंगे ना तो और निकलेगा। मैं पकड़ू तो मिलाएंगे, हिलाए। हाँ देखे देखे, देखो कैसा फास्ट आ रहा है। देखे बस फिर भी थोड़ा दिन तो गैरेज तक जाने, नहीं मां तेरे चला के थोड़ी लेकर जाओगे तुम। आ रहा है, बंद है वैसे। आ रहा है बे, आ रहा है, नीचे उतरा रहेगा। मैंने भी यहाँ से ही लाई थी पकड़ के, बोली ना जितना भर रहा ना भरने तो छोड़ना नहीं जरा भी। अभी के वक्त में बुन बुन भी बहुत कीमती है भाई। लोग कैसे टेढ़ा किए हुए बाइक यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं आ रहा है, इसीलिए तो छोड़ दो। छोड़ दें बस, है ना, बस इतना लास्ट निकल जाएगा। ना तो भर गया कम से कम, आधी बोतल हुई ना। मैडम को देखो कैसे निकाल रही है पेट्रोल, पाइप से निकाली। वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल होट। लेकिन ऐसा लग रहा है सूख गए जैसे होट है ही नहीं। हां तो पेट्रोल लगे तो सूखता ही है, जला भी सूखता है। बाबा सूखेंगे ना मेरे गले में, नहीं गया मेरे मुंह में, चले गया होट पे, लग गया इधर तक लगा। खत्म हो गया, सो बात करो, बात करो, बात करो। अभी अपने तुम धक्का मार के लेते जाना चलेगा, मैं लेकिन तुम्हारे लिए भी नहीं छोड़ने आ रही साले। मेरा आज वैसे भी टारगेट है बोतल भरने का, पांचवी बोतल है ये इसकी। से चार छोटी छोटी बोतल भर के निकली, तो काम आएगा अपने को। सो गाइस फाइनली उमर भी सो चुका है और हमने पूरा पेट्रोल वेट्रोल मस्त खाली करके रख दी है। अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। आप लोग दुआ करो कि जो भी सब सही हो जाए और कुछ नहीं, अच्छे से चले पूरी दुनिया, अच्छे से चले। एक दिन में एक चीज खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भारी पड़ जाएगा यार, दूसरों को भी तकलीफ होगी। हम सिर्फ आधे अधूरी चीजें सोचते हैं पर अगर पूरी सोचने जाएंगे तो वो सब कुछ बहुत एकदम गुत्त जैसा बन जाएगा, जैसा बाल में कैसा गुच्छे हो जाते हैं ऐसा हो जाएगा अगर देखा जाए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। टेंशन है हम लोग को भी बहुत है, क्योंकि यार अपने लोग तो चलो जितना पैसा रहेगा उतने में खरीद लेंगे, कर लेंगे, थोड़ा बहुत चला लेंगे। लेकिन जो और भी ज़्यादा बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास मतलब डेली के पैसे आते हैं, डेली का कमाते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे फिर, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये चीज़ें और ज़्यादा। तो मेरी भी जूनी गाड़ी पड़ी गई है, जूनी गाड़ी भी मेरी बहुत टाइम से खड़ी है, मैं सोच रहा हूँ उसको बनवा लूँ तो ताकि मेरी नई गाड़ी सेफ रहे थोड़ा, ताकि जूनी गाड़ी लोकल में चलाओ। देखते हैं थोड़ा बना लेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह, है कि नहीं। चलिए बाय बाय गाइस, सो अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।